देखो उमंग, हमारे तो आप भी हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक, कुछ एक्टिव नजर नहीं आ रहे। दीपक आज रनिंग पर नहीं गए क्या आज? अरे नहीं सर, आई एम एक्टिव, टोटली एक्टिव सर। बिल्कुल, एकदम एक्टिव मोड में रहना है हमेशा। यस सर। ये दिस वन सर मैं एक्टिव नहीं हूंगा पूरे बैच में, तो कौन एक्टिव होगा बताइए। बिल्कुल खूबसूरत है, बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब जो इन माइक्रोफोन से करते हैं। बच्चों कोशिश करो कभी कुछ बोलने की। हाँ जी सर जी बोलो। सर गुड आफ्टरनून बोला सर। गुड आफ्टरनून संजीत, आप कैसे हो? मस्त एकदम मस्त ही रहना। बियरिंग ब्लू शर्ट लुकिंग नाइस, वाओ ग्रेट थैंक्स। सर। आज सर ये ये वही हो गया छोटा कॉम्बो का। सॉरी फॉर्म कॉम्बो का, थैंक्स, वाओ नाइस। बोलो अनिमेश, आप कहाँ गए थे भाई इतने दिनों से? देखो सर मैं बाहर गया हुआ था, कुछ काम आ गया। इस पूरी दुनिया में 3 ही आदमी ऐसे हैं जो आजकल बाहर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। एक तो मोदी, वो भी नहीं रुक रहा, एक आप और एक मैं। 3 ही आदमी ऐसे हैं मतलब इनके हाँ पास। गया, फिर जाना पड़ गया। मेरा भी आजकल ऐसे ही चल रहा था। बाकी तो सब बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, घूमने पर तो बस हमारा ही फोकस है तीनों का। सर अपनी फर्स्ट क्लास है ना आज टाइम वर्क की। गुड आफ्टरनून रितेश। हाँ फर्स्ट क्लास, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ सर। एक मैं भी हूँ। आप कहाँ जा रहे हो भाई उमंग? आप रोज यहीं बैठे मिलते हो। सर कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, मोहित सर की क्लास नहीं मिस करनी बस। बिल्कुल यही मोहब्बत तो होनी चाहिए बस अपने टीचर से। सर इसे मोहब्बत यस नहीं बेइज्जती का डर कहते हैं, कि अगली बार फिर बेइज्जती होगी। फिर आप उमंग को वेरी गुड बोल दोगे, वेरी गुड, एकदम वो गलत। अलग दुख। और फिर वो फैंसी वाला लाइन वो भी। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइमर पर। हम लोग भी बोलिए सर जाते हैं, लेकिन हम लोग भी सर घूमने बाहर जाते हैं, लेकिन सर हम टाइम मैनेज करके जाते हैं। जब आपका क्लास रहता है तब नहीं जाते, दूसरे का क्लास रहता है तब चले जाते हैं काम। दूसरे टीचर सर में इतना दुखी हो भाई, दूसरे टीचर की क्लास में घूमने जा रहे हो, समझिए सबकी क्लास में पढ़ा करो। सर दुखी नहीं, मतलब अगर ऐसा टाइम आ गया कि बाहर जाना, ये तब ऐसा कर लेते फिर रह के रिकॉर्डिंग नहीं, न्यूट्रल रहो, मेरे से सीखो ना, सबका छोड़ो। बिल्कुल सब इक्वल। एक देखो डायमंड वर्क अगर पूरी अर्थमेटिक में तो इस सबसे इजी चैप्टर है, और तुम्हारे तो बच्चे बहुत काम का चैप्टर है, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है जहां आपको कहीं भी दिमाग नहीं लगाना, एक ऐसी चीज जो आपके पास है भी नहीं, तो इसलिए आपका ये सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर होगा डायमंड वर्क। मतलब इससे ज्यादा काम तो कुछ शुभागमन नहीं हुआ है, है। वाह कितना अभी बस शुभागमन हुआ है। शुरुआत दिल दिल सर दिल गाड़ गाड़ मजा आ गया, बहुत बढ़िया। है। देखो फिर से सुनो, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बस आपको टाइम गिवन होगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है बस। जब दिमाग लगाना नहीं है तो ज्यादा लगाना भी मत, तुम्हारा होता नहीं है फिर भी कोशिश करते हो, वहां पे फिर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। देखो माइंड का यूज करना होता है परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां आपको कोई भी माइंड का यूज नहीं करना, क्योंकि यहां टाइम आपको गिवन होगा, एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी होगी। देखो इस चैप्टर का कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो एक किसी वर्क को कंप्लीट करेगा 20 डेज में, और बी सेम वर्क को कंप्लीट करेगा 30 डेज में। हमें फाइंड आउट करना है अगर ये दोनों मिलकर सेम वर्क को करें तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे भाई? 12 12 6 days बताना है।
6 days लगा दिया ना दीपक। ये पाठक किस टाइपिंग, पाठक की क्या टाइपिंग कर रहे हो, बहुत देर से टाइपिंग हो रही है। पहले गुड आफ्टरनून आएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन। नहीं अभी कुछ नहीं करा है, बस आपका ही वेट था, आपके वाक्य में स्टार्ट करते हैं चीजें। हाँ देखो एक किसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 20 days में, 30 days में, हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों मिलकर सेम वर्क को करे, तो सबसे पहले तो आप वर्क को एज्यूम कर लो, तो वर्क को एज्यूम सेट लीजिए लगाया। आप। गुड आफ्टरनून कृतिक, अभी आपका कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ, बस अभी अभी स्टार्ट करना। देखो ए वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 20, बी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 30। तो सबसे पहले तो आप वर्क एज्यूम कर लो, तो वर्क को आप एज्यूम करो 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 60 60 60। 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। देखो टोटल वर्क है हमारे पास 60, ये ए 60 वर्क को करने में 20 days लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। भाई जी सर, अगर ए 60 वर्क को करने में 20 days लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। तो ए की एफिशिएंसी है हमारे पास 3। अब सेम आप बी की एफिशिएंसी देखो, बी 30 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा, 30 days, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, हमें फाइंड आउट करना है अगर इस 60 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा, 12 days। भाई ए और बी दोनों टाइम में कितना वर्क होगा, 3 तो ए करेगा और 2 बी करेगा। अगर ए और बी साथ में वर्क करेंगे तो 1 day में कितना वर्क होगा, 5। अगर 1 day में 5 वर्क होगा तो 60 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, 60/5, 12 days। भाई मैं टाइप क्यों करूंगा, इतनी अच्छी सी मेरी आवाज है एकदम अरिजीत सिंह जैसी, फिर मुझसे क्यों टाइप कराओगे, बताइए क्वेश्चन समझ आया। मल्टीपल यूजर्स ऑन टाइपिंग, फटाफट से बताओ बच्चों, समझ आए क्वेश्चन। देखो इस टाइम एंड वर्क में ना यही चलता रहेगा, टाइम हमें गिवन होगा, इफिशिएंसी वहां से फाइंड आउट कर लेंगे बस, और टोटल वर्क एज्यूम, पूरा चैप्टर ऐसे चलता रहेगा। इसको भी ट्राई करो और बताओ आंसर कितना होगा। सिक्सटीज़ 60s, 6 days। वाओ, मेरा फर्स्ट था। वेरी गुड दीपक, व्हाट आर अकाउंटेबल नाउन? हाँ यस, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं आता बताओ, आपको बड़ा याद है आर्टिकल नहीं अनकाउंटेबल, आता ए एंड द। और उसके साथ उसके बाद ऐसे ही ऐसे नहीं आता। एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा बच्चों हमारा। देखो ए वर्क को कंप्लीट करेगा 15 days में, ए वर्क को कंप्लीट करेगा 15 days में, और बी वर्क को कंप्लीट करेगा 10 days में। हमें फाइंड आउट करना है अगर ए और बी दोनों मिलकर वर्क को करें तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो आप वर्क एज्यूम कर लो, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। टोटल वर्क है 30, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, भाई ये जो ए है ये 30 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा, 15 days। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। थ्री
और बी 30 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा? 10 डेज। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 3। हमें फाइंड आउट करना है अगर इस 30 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? फटाफट से मल्टीपल यूजर सर टाइपिंग कर दो। हमारे पास तो यूजर्स भी ऐसे है, वो सोने में फोकस है उनका। अब एक बार सेम मेथड से इसको ट्राई करो। देखो एक टोटल वर्क के 1/4 वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करेगा और बी टोटल वर्क के 1/3 वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करेगा। हमें फाइंड आउट करना है अगर दोनों मिलकर वर्क को करें तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? 24 डेज। कैसे करूंगा बताओ, तब तक बाकी सब बच्चे सोच रहे। ये 1/4 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा बच्चों? 10 डेज। 1/4 वर्क को कंप्लीट करने में टाइम लेगा ए 10 डेज। तो ए कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा? 40 डेज में। भाई अगर 1/4 वर्क को करने में टाइम लेगा ए 10 डेज तो कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लेगा? 40 डेज। और अब बी के लिए देखो, बी 1/3 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा? 20 डेज। बी 1/3 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा? 20 डेज। तो बी इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 60। अब ए कंप्लीट वर्क को करेगा 40 डेज में और बी कंप्लीट वर्क को करेगा 60 डेज में। तो सबसे पहले तो आप वर्क एज्यूम कर लो। बताओ वर्क को कितना एज्यूम करो? वर्क को एज्यूम करो आप 40 और 60 का एलसीएम, मतलब 120। तो यहां से अब आप ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। हमें फाइंड आउट करना है अगर इस टोटल वर्क को 120 को ए और बी दोनों साथ में करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 24 डेज। अब आप सबसे पहले ये बताओ, ये तीनों क्वेश्चन समझ रहे? हम कंप्लीट टाइम एंड वर्क में ऐसे ही करते रहेंगे, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ से बहुत अच्छी सी बात समझेंगे। बताओ बच्चों फटाफट से, नहीं बोलोगे बच्चों? यस सर, क्लियर है। बताइए अच्छी बात। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रही है, 2 कहां से आया, 3 कहां से आया। देखो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो हमने अभी करें, ये इस टाइप से डायरेक्ट हमारे पास नहीं आएंगे कि ए वर्क को 20 डेज में करेगा, बी 30 में, तो दोनों कितने टाइम में करेंगे? बात समझ लो, अगर ए वर्क को करेगा 20 डेज में, बी 30 डेज में, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? 12 डेज में। उसके बाद देखो अगर ए वर्क को करेगा 10 डेज में और बी वर्क को करेगा 15 डेज में तो दोनों मिलकर वर्क को कितने टाइम में करेंगे? फटाफट से बताओ। 6 डेज में सर।
अगर ए करेगा वर्क को 40 days में और बी करेगा वर्क को 60 days में, तो दोनों मिलकर वर्क को कितने टाइम में करेंगे? 24 days. और ये ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस. अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आ सकता है. हमारे पास कोई भी टैब है, उनमें से एक टैब दूसरे वाले से 5 hours जल्दी टैब को फिल कर देगा, तो दोनों को टाइम लगेगा 6 hours. तो फर्स्ट वाला कितने टाइम में फिल करेगा, सेकंड वाला कितने टाइम में फिल करेगा? अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो इस टाइप से आएगा. हमारे पास कोई भी एक टैब है, वो टैब दूसरे टैब से 5 hours कम टाइम लेगा, तो दोनों मिलकर कंप्लीट टैब को 6 hours में फिल करेंगे. तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास टैब है वो कितना टाइम में फिल करेगा, सेकंड वाला कितने टाइम में फिल करेगा? तो इस बात को याद रखना, अगर हमारे पास दो टैब कंप्लीट टैंक को 6 hours में फिल करेंगे तो एक टाइम लेगा 10 hours और दूसरा 15. सेम ऐसे ही अगर हमारे पास टैब 1 फिल करेगा 20 hours में और टैब 3 30 hours में, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे? 12 hours. ये बात समझ आई? ये क्वेश्चन भी आगे आएंगे अभी, लेकिन फिलहाल ये बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा, वो बात समझ आई? मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, एक जितने टाइम में फिल करेगा दूसरा उससे 5 hours जल्दी फिल कर देगा, और दोनों मिलकर 6 hours में फिल करेंगे. तो फर्स्ट वाला कितने टाइम में फिल करेगा, सेकंड वाला कितने टाइम में फिल करेगा? अब फटाफट से फिर इसका आंसर बता दो कितना होगा. का ये चैप्टर भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम करने पड़ते हैं, इसको भी कर लो. सर सारे चैप्टर्स नहीं, चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं पहली बार कर रही हूँ. उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सर जैसे ये टाइम एंड वर्क एलिगेशन मिक्सचर ही मैंने पहले कभी नहीं किया. कोई बात नहीं, अब आ जाएगा समझ. ये बहुत इजी चैप्टर है, 20/3 फटाफट से सॉल्व करो बच्चों. एकदम टाइम आपको गिवन है, बस इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. सर जी मेरा भी एकदम सेम है. सुमन या सेम है? यस सर. सर कितना टाइम लेगा बच्चों? 10 days. एक टू थर्ड वर्क को कंप्लीट करने में लेगा 10 days, तो एक कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा? 15 days में. सेम ऐसे आप बी के लिए देखो, बी 5/3 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा बच्चों? 20 days. तो बी कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा? 12 days. अब हमें फाइंड आउट करना है अगर ए और बी दोनों मिलकर वर्क को करें, मतलब टोटल वर्क को एज्यूम करना 60. अगर टोटल वर्क को एज्यूम करना 60 तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4. बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5. अब हमें फाइंड आउट करना है अगर इस टोटल वर्क को ए और बी दोनों साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा? 20/3 days. 3 days. बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बहुत इजी चैप्टर है, टाइम गिवन होगा, बस एफिशिएंसी फाइंड आउट करते रहो. देखो जब क्लास चलती है ना तुम्हारे दो काम रहते हैं, अब दो काम बताओ क्या रहते हैं तुम्हारे, फटाफट से बताओ, कौन बताएगा? एक आंसर देना
अरे कंसर्न ना है तो भेज देती सुनना। एक तो तुम्हें टाइप करते रहना का पेन फाइंड करना नहीं बिल्कुल, एक तो तुम्हारी टाइपिंग चलती रहती है और एक तुम्हारे कभी नेटवर्क आते हैं कभी जाते हैं कभी आते हैं कभी जाते हैं आते मतलब क्या इसी में कंप्लीट आ जाती है। और मजा तब आता है जब दोबारा से आके सब प्लीज एक्सप्लेन दिस लाइन माय नेटवर्क हैज बीन डिस्कनेक्टेड करेक्टेड। एक्सप्लेन करने की तो कोई बात नहीं लेकिन और बच्चों को तो गेम से चलता रहता है नेटवर्क आ रहे हैं नेट बड़े दिन और उनको बच्चों कंप्लीट ही होने वाला है पेज। अब देखो किसको करो, अब हमारे पास ए बी और सी थ्री पर्सन हो गए, कितने भी पर्सन हो जाए प्रोसेस सेम चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने टू के लिए करा था सेम वैसे थ्री के लिए बिल्कुल। फटाफट से ट्राई करो तो फाइव डेज फाइव डेज बच्चों करो ट्राई। सर कितने क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें, सिर्फ दो? इसमें से हाँ एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आएगा। अच्छा जी ठीक सर। देखो ए वर्क को कंप्लीट करेगा 12 डेज में, देखो कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, बाकी ये इन चैप्टर्स ये तो एकदम इजी वाले चैप्टर्स हैं। ए वर्क को कंप्लीट करेगा 12 डेज में, बी वर्क को कंप्लीट करेगा 15। सर इसका 5 है, 5 है बिल्कुल, बहुत देर बाद एंट्री मिल रही है। सही लोग इतनी जल्दी कर लेते हैं, मैं तो पढ़ी रहती हूँ बस। कोई बात नहीं, देखो पूरा मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, इस टाइम पे वर्क को करो फिर उस डेली करना हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ रिमेनिंग है हमारे पास, अभी तो इजी इजी वाली बातें चल रही है। आगे आगे देखो टोटल वर्क को कितना अज्यूम करोगे? सर जी 60। 60 एक ही एफिशिएंसी कितनी होगी? टाइम गिवन है एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है बस। ए की एफिशिएंसी होगी 5, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। हमें फाइंड आउट करना है अगर इस 60 वर्क को ये तीनों साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा? 5 बताओ बच्चों समझ आया है क्वेश्चन? देखो अब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने भी हो जाए तो प्रोसेस यही चलता रहेगा। इसका आंसर बताओ कितना होगा? एकदम सेम क्वेश्चन है 20, 30 और 60। भाई बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा वक्त वो बताओ। आज तो मनु के आंसर भी नहीं आ रहे, मनु आप क्लास में हो? रिया मनु कौन है आप बताओ? सर मनु एक लड़का है। वेरी गुड, आपने माना तो सही कम से कम। सर एक पता नहीं एक लड़की भी है सर कोई और मनु नाम की, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये तो लड़का देखो ए वर्क को कंप्लीट करेगा 20 डेज,
वर्क को कंप्लीट करेगा 30 डेज में, सी वर्क को कंप्लीट करेगा 60 डेज में। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क एज्यूम कर दो, टोटल वर्क को कितने एज्यूम करोगे बताओ? 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 120 भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फैंसी लग रहा था ना वो। आपको इसको बहुत ज्यादा फैंसी लगाना है तो फिर आप इसको 10 या 10-20 लाख ऐसे क्यों कर रहे हैं? बहुत फैंसी लग रहा है। और जब रिजल्ट आएगा ना फिर आपका जो फेस है वो बहुत फैंसी लगेगा। फैंसी न्यू वर्ड ज्यादा फैंसी नहीं लग रहा ना सर। ये 3, इसका 2 और इसका 1 एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी होगी 3, बी की एफिशिएंसी होगी 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। टोटल वर्क है 60। अगर इस 60 वर्क को ए बी और सी तीनों करें तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? 10 डेज सर। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? जी सर। तो फिर चैप्टर कंप्लीट समझे, समझ तो आपको आ ही जाता है सर। सर अगर 120 होता तो भी सेम होता। हाँ बिल्कुल, फिर हमारे पास ये नंबर्स भी तो इंक्रीज हो जाते हैं ना। एक बार आप ये वाला फिर से बता दोगे मतलब 60 अपॉन जो वो धैर्य निभाना है बच्चों, एक बार फिर से देखो। अब सर फर्स्ट टाइम करने को डाउट तो आएगा ना सर। तो मैंने कहा कुछ बोला मेरे को डाउट तो कितने क्या है उसके लिए मैं कभी थोड़ी ना कुछ बोलता हूँ। ए वर्क को कंप्लीट करेगा 20 डेज में, बी 30 डेज में और सी 60 डेज में। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो, टोटल वर्क को एज्यूम कर लो 60। अगर आपने टोटल वर्क को एज्यूम करा 60 तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? ये जो ए है ये जो ए है 60 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा बच्चों? 20 डेज। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। ये जो बी है 60 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 30 डेज। तो बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। और सेम सी 60 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 60 डेज। तो सी की एफिशिएंसी कितना होगी? 1। अब देखो टोटल वर्क है 60, टोटल वर्क है 60 और हमें फाइंड आउट करना है अगर इस टोटल वर्क को ए बी और सी तीनों साथ में करें मतलब वन डे में कितना वर्क करें? 6। तो इस 60 वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे? 10 डेज। भाई अगर तीनों साथ में वर्क करेंगे तो ए वर्क करेगा 3 एफिशिएंसी से, बी वर्क करेगा 2 एफिशिएंसी से और सी वर्क करेगा 1 एफिशिएंसी से। अगर तीनों साथ में करेंगे तो कितना वर्क करेंगे? 6। एनीवेज और रोहन आप अपना अलग चार दिखा रहे हो दोनों, आपका अपना अलग गेम चल रहा है दोनों का। आप पता चला वो मन से क्यों पूछता हूँ जब हमें अनिमेश नहीं आता? यस सर डाउट इज क्लियर, मतलब मुझे सर डाउट क्लियर, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर सर एक्सीलेंट, आई कैन अंडरस्टैंड। अब देखो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब की बार है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। करो एक बार इसको भी ट्राई हो, इसको कैसे ट्राई करोगे? प्रोसेस तो एक ही होगा इसका भी वैसे ही। बिल्कुल, देखो प्रोसेस का मतलब ये होता है जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हो तो आपका मतलब हर एक क्लास में कोई ना कोई चार पहचान वाला होता ही है,
कितने नहीं होता वो आपको बता दो ये तो सर ये तो और ज्यादा गलत सब में गलत सर मैंने ट्राई किया ऐसा मत बोलिए कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे बच्चों 12 days बी प्लस सी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे 15 days एंड सी प्लस ए वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे 20 days सबसे पहले तो वही प्रोसेस आप टोटल वर्क को एज्यूम करो 12, 15 और 20 का एज्यूम बताओ टोटल वर्क कितना होगा 60 अब की बार ए प्लस बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी 4, 5 इसकी 4 ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 5 B plus C की efficiency होगी 4 और C plus A की efficiency होगी अपना आप क्या करो इन दोनों को add कर दो A plus B plus B plus C plus C plus A equals to 12 भाई हमारे पास A plus B की value है 5 B plus C की value है 4 and C plus A की value है 3 तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a तो यहां से क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 12 यहां से 2 को कॉमन ले लो रिप्लेस ऑफ म्यूट कर लो अब ठीक है कृतिका यहां से अब आप 2 को कॉमन ले लो तो कितना होगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 12 तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितना होगी 6 इसका मतलब a b और c तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा 6 बड़ा बच्चों यहां तक की कहानी समझ आई सर एक बार ऊपर करना ये मिस कर रहा था मैं बहुत देर से यस सर देख लिया सर नहीं सर yeah. इसमें मैंने ये पूछना था नहीं ठीक है नहीं हाँ नहीं नहीं ठीक सर इसका सॉरी वो इसका टोटल 12 आ रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी इन मतलब तीनों की a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a तो इनकी एफिशिएंसी 5 नहीं बनेगी हमने 12 क्यों लिया है क्योंकि हमारे पास 12 तो है a प्लस b की एफिशिएंसी है 5 b प्लस c की है 4 and c प्लस a की एफिशिएंसी है 5 तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो इन तीनों को भी ऐड करोगे तो 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b प्लस 2 टाइम्स c कितना होगा 12 तो a b और c तीनों की एफिशिएंसी का सम होगा 6 अच्छा मतलब हाँ ठीक है अगर हमें इन तीनों का ये निकालना होता कि ये कितने देर में काम कर सकते हैं मतलब कितने दिन में कंप्लीट करेंगे तो हम डायरेक्टली 12 को 60 से डिवाइड कर देते ना फिर तो बिल्कुल अगर हमें तीनों को फाइंड आउट करना होता कितने टाइम में करेगा अब देखो सबसे पहले ना क्या करो इनकी एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करो देखो a प्लस b की एफिशिएंसी है हमारे पास 5 a प्लस b की एफिशिएंसी है 5
तो बात तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। उसके बाद आगे की बात है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी बोलो हमने पुट कर दिया 5 + c = 6, तो c की वैल्यू कितना होगी 6 - 5, c की एफिशिएंसी होगी हमारे पास। अब आप क्या करो, अदर वैल्यूज को भी यही पुट करो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है हमारे पास 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है बच्चों 4, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, 2 और बी की 3। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी का सम है 6, C की है 1, A की एफिशिएंसी है 2, तो B की एफिशिएंसी कितना होगी? ठीक, अब देखो टोटल वर्क हमारे पास है और A, B एंड C तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास है, अब जो भी फाइंड आउट करना है अब हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करना है तीनों साथ में वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क है हमारे पास 60, टोटल वर्क है हमारे पास 60 को अगर ए बी और सी तीनों मतलब साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तीनों की एफिशिएंसी के सबसे डिवाइड कर दो, हमें पता चल जाएगा अगर तीनों साथ में वर्क करें तो कितना टाइम लगेगा, 10 days। उसके बाद फाइंड आउट करना है ए वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क है 60, इसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो ए का टाइम आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम एंड सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो सी का टाइम, ए की एफिशिएंसी है 2, टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो हमारे पास ए का टाइम आ जाएगा 30 days, टोटल वर्क है 60, इस टोटल वर्क 60 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 3 से तो हमारे पास B का टाइम आ जाएगा 20 days, और टोटल वर्क है हमारे पास 60, अगर इस टोटल वर्क को हम C की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास C का टाइम आ जाएगा 60। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया, अगर आपको इक्वेशन में गिवन हो और आपको A, B और C का सबका अलग अलग फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे? गलत हो गया सर, अभी जैसे हम लोग ए प्लस ए बी एंड सी का ऑल बोलो, संदीप क्या हुआ बोलो, लगता डिस्कनेक्ट हो गया सर, नेटवर्क इशू हो गया होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा संजय, जरूर सुन लेंगे बात। सर आ गया, नेटवर्क इशू सर, सर मैंने गलत कर दिया था एक्चुअली सर, एक्चुअली ए प्लस बी ए बी सी का ऑल टुगेदर 10 डेज आ रहा है, ठीक है ना सर, उसके बाद क्वेश्चन में ए एंड बी का 12 डेज टुगेदर, तो वहां से हम लोग निकाले 5 4 3, डायरेक्ट भी 10 से माइनस कर दिए 5, ऐसा करके नहीं आएगा ना सर करेक्ट आंसर, ए बी सी का जी। देखो अब ना आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बहुत कम कम आ रहे हैं, आप बहुत कम कम डेज आ रहे हैं, बहुत डबल डेज मतलब भाई,
देखो अब आप सुन रहे हो एग्जाम में कैसे तैयार हो गए, अगर हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इन तीनों को ऐड करके यहीं से हाफ कर दो। भाई हमने लास्ट में जाकर भी क्या करा, 12 को 2 से डिवाइड करा, क्योंकि हमारे पास a 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है और c भी 2 टाइम्स है, इसलिए हमने लास्ट में जाकर क्या करा, इन तीनों की एफिशिएंसी के सम को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रोसेस को आप इतना बड़ा ना करके आप यहीं से डाटा स्टार्टिंग में, अब देखो आप ना इसको यहीं से हाफ कर दो। भाई आपने डायरेक्ट देख लिया हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करो, 5, 4 और 3 कितना होगा 12 को 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ए बी और सी तीनों के एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा 6। अगर हमारे पास ये 3 टाइम्स होते फिर हम 3 से डिवाइड कर देते 12 को, कितना हो जाता 4। बात समझ आई बच्चों का क्या हमने, आप इस 6 को ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, बताओ ये बात किसको समझ आई, मुझे नहीं आई, तुम्हें समझ नहीं आई, वेरी गुड, अभी आएगी देखो। मुझे भी नहीं आई ये, और भी अच्छा था, जब सबको समझ नहीं आया तो मुझे भी समझ नहीं आया शुरुआत थी। देखो भाई हमारे पास अभी हमने क्या करा, जब इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करा तो हमने इन तीनों को ऐड करा, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया बच्चों, 2a + 2b प्लस 2c = 12। यहाँ तक समझ आया बच्चों, भाई हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आया 2a + 2b + 2c = 12। अब देखो आपने क्या करा, 2 को यहाँ से कॉमन कर दिया तो हमारे पास क्या आया, a + b + c = 12। ये बात समझ आई। अब इसके बाद आपने क्या करा, इस 2 से डिवाइड कर दिया 12 को, तो हमारे पास a + b + c = कितना आ गया 6। ये बात समझ रहे बच्चों, बोल अब ये समझ नहीं आया आपको 6 कैसे आया, तो अब देखो ये प्रोसेस हमने डायरेक्ट कर दिया था। भाई ये जो 2 है थोड़ा सा सोचो, ये 2 कैसे आया, हमारे पास a 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है, c भी 2 टाइम्स है, इसीलिए तो ये 2 आया। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन तीनों को ऐड करो, 5, 4 और 3 कितना होगा 12। अब डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है हमारे पास a भी 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है एंड c भी 2 टाइम्स है, आप तीनों को ऐड करके डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, तो a b और c तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा 6। अब समझ आई बच्चों, सर इससे आगे तो बस फिर वही सेम है कि इसके आगे तो सब सेम है, इसके आगे तो सब कुछ सेम ही रहेगा, यहां से हमारे पास ए बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएंगी फर्स्ट। भाई आपने देखा ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, b प्लस सी की 4, c प्लस a की 3, तो आपको डायरेक्ट एकदम समझ में आ जाएगा a b और c तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा 12 1/2 6। उसके बाद a प्लस b की यहां पुट करो, c की लग जाएगी, बाकी का प्रोसेस वही होगा। समझ आया बच्चों, बाकी इसके आगे का तो सब प्रोसेस सेम ही होगा। तो जो ये 5, 4, 3 है ये एफिशिएंसी है, ठीक है, पर ये a प्लस b प्लस c जो ये इससे क्या, ये क्या निकल रहा है, ये है पर्सन,
और बी दो पर्सन है, दोनों की एफिशिएंसी का सम है पाई। नहीं नहीं बी और सी सर, ये ए प्लस बी प्लस सी के ये जो सिक्स है ये इससे क्या निकल रहा है? ये इन तीनों की एफिशिएंसी का सम है। थ्री फाइव फोर थ्री क्या है? ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, बी प्लस सी। अच्छा ये ओके, अच्छा ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी अब आएगी। ओके ओके, अब यहाँ से हमारे पास ए की एफिशिएंसी अलग आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी अलग, ये अच्छा कंबाइंड है। ओके ये फोर फाइव फोर थ्री कंबाइंड वाला है। ओके अब इसको चेंज कर देते हैं, चलो थोड़ा देर होगा, करो इसको ट्राई। देखो ए और बी वर्क को कंप्लीट करेंगे 12 डेज में, सॉरी ए वर्क को कंप्लीट करेगा 12 डेज में, बी 15 डेज में। दोनों ने 5 डेज तक वर्क करा और उसके बाद बी ने लेफ्ट कर दिया, तो हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग वर्क को ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। कुछ भी नहीं करना, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, 5 डेज तक वर्क करा दो, रिमेनिंग वर्क बचेगा उसके बाद ए चला गया, बी के एफिशिएंसी कितना 3 डेज, 5 डेज तक वर्क कराओ उसके बाद बी चला गया, रिमेनिंग वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करो। तुम ले रहे तो 12/5 हो गया, 12/5 वेरी गुड फैंटास्टिक एकदम गलत। अब हम ट्राई करो जो भी आए कम से कम कुछ तो आया, आपके बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका कुछ आ ही नहीं रहा होगा। देखो ए वर्क को कंप्लीट करेगा 12 डेज, बी वर्क को कंप्लीट करेगा 15 डेज। सबसे पहले टोटल वर्क बताओ कितना अचीव करो, 16। एक ही एफिशिएंसी कितनी होगी 5, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे हो या ना हो, यहां तक तो फटाफट से कर लो, इतना तो कर ही सकते हो और इतना करना भी पड़ेगा टाइम एंड वर्क। उसके बाद देखो दोनों ने साथ में कितने डेज तक वर्क करा भाई, ए और बी दोनों ने साथ में कितने डेज तक वर्क करा, 5 डेज तक। इसका मतलब ए और बी दोनों ने 5 डेज तक वर्क करा, दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा 9। 9 की एफिशिएंसी से 5 डेज तक वर्क करा तो कितना वर्क कर दिया होगा 45। टोटल वर्क है 60, इसमें से 45 वर्क तो हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 15। अब बचा 15, उसके बाद ए ने तो लेफ्ट कर दिया, हमें फाइंड आउट करना है इस 15 वर्क को ए 5 की एफिशिएंसी से कितने डेज में कंप्लीट कर देगा, 3 डेज। बताओ समझ आया क्वेश्चन? ने लेफ्ट किया था ना कि ए ने, तो हमने बी को लेफ्ट करा दिया, रिमेनिंग वर्क जो 15 बचा उसको ए ही तो करेगा, रिमेनिंग वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, टाइम पता चल गया। बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट? बोलो रिया, नेटवर्क तो आपके भी इशू कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आपकी नहीं बोला, मैंने बोला नो डाउट, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, जब जॉब लगे तब चेंज करना। हाँ सही बात है, मैं फोन नहीं खरीदना।
सर सेम, मैंने भी नहीं खरीदा. मेरी मम्मा लाइक ऐसे बहुत नेट ये टेक्नोलॉजी सावी है, तो मम्मा नया नया मोबाइल लेती है, मैं मम्मा को बुराना लेती रहती हूँ. मुझे शौक भी नहीं है नए मोबाइल का. हाँ बस दो चार चीजें मिल जाए और क्या करना है. करो इसको ट्राई. देखो अबुर की बार ए ने वर्क को लेफ्ट कर दिया. देखो हमारे पास ए वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 10 डेज, बी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 12 डेज. तो सबसे पहले आप इतना कर लो, इसके बाद देखो ए और बी ने साथ में स्टार्ट करा और 3 डेज बाद ए ने लेफ्ट कर दिया. इसका मतलब 3 डेज तक तो ए और बी ने साथ में वर्क करा होगा. 11 की एफिशिएंसी से 3 डेज में कितना वर्क कर दिया होगा 33. रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बताओ कितना बचा. 27. भाई टोटल वर्क है, बिल्कुल टोटल वर्क है 60. इसमें से 33 तो ए और बी दोनों ने कर दिया, उसके बाद ए ने लेफ्ट कर दिया. अब ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको कौन करेगा, बी. अगर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता कि बी रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 27/5 डेज, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा. तो बताओ टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा. +3 और कर देंगे सर. बस +3 और कर दो, क्योंकि 3 डेज तो वो जहां पर ए और बी ने साथ में वर्क करा था, और 27/5 डेज ये जहां बी ने अकेले वर्क करा है. तो अगर हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा, 42/5 डेज. एट कंप्लीट 2/5 डेज. बताओ समझ आया क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें 27 में 3 भी ऐड करना पड़ेगा. बताओ बच्चों समझ आया. यस सर. मुस्कान को तो पॉइंट हो गया. बोलो क्या रिपीट कर रहे हो. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही भाई, किसी को समझ आ रहा है क्या रितेश क्या बोल रहा है. ये उत्तर कर गया ना थोड़ा सा. रितेश आप कमेंट कर सर, वो ऊपर करने को कह रहा है. ये सुनना भूल गया था थोड़ा और, बस हो गया, चेंज कर लेते हैं. अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप एक और मेथड से कर सकते हो. पहले ये तो बताओ ये गोटेड हो गया आपको. यस सर गोटेड हो गया. देखो अब आप ना थोड़ा सा सोचो भाई, ए और बी दो पर्सन है हमारे पास, ए और बी दो पर्सन है हमारे पास. इन दोनों में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है. बी. बी तो आप डायरेक्ट बी से चेक कर लो ना भाई. अगर हमारे पास बी स्टार्टिंग से लास्ट तक है तो आप बस इतना चेक कर लो, ये जो बी है इसने कितने डेज तक वर्क करा. बी ने जितने डेज तक वर्क करा होगा टोटल वर्क उतने टाइम में कंप्लीट होगा, क्योंकि बी तो स्टार्टिंग से लास्ट तक है. जो पर्सन लेफ्ट करके चला गया उसका काम हटा दो, ना हमें तुम्हारी जरूरत ना तुम्हारी कंपनी. हमारे पास ए ने कितने डेज बाद लेफ्ट करा होगा वर्क को,
अच्छा मतलब ए ने जो टोटल मार्क्स को हटा के बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें। बिल्कुल, क्योंकि बी तो लास्ट तक है तो हमें टाइम पता चल जाएगा। देखो हमारे पास ए ने 3 डेज तक वर्क करा, उसके बाद लेफ्ट कर दिया, तो ए अगर 1 डे में वर्क करेगा 6, तो 3 डेज में कितना वर्क करेगा? 18 42/5। अब ये जो 42 है ये वर्क किसने करा होगा? बी ने। तो डायरेक्ट आप बी से चेक कर लो बी को कितना टाइम लगेगा, ए कंप्लीट वर्क ऑन 5 डेज। भाई जो लेफ्ट करके चला गया उसको हटा दो, लेकिन जो है बस उसका चेक कर लो। समझ आई बच्चों ये बात? हमने बी से इसलिए चेक करा क्योंकि बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिजनेस है, सॉरी वर्क में है। ए ने लेफ्ट कर दिया तो ए का वर्क हटा दो। ये बात समझ आई बच्चों? सो हाँ जी, ये एक बार बता दीजिए 18 कैसे आया? ये 18 ऐसा आया, ये जो हमारे पास ए है इसने 3 डेज बाद वर्क को लेफ्ट कर दिया, तो ए 1 डे में कितना वर्क कर रहा है? हमारे पास रियल 6 ने काम किया था ना, तो हमने वहां से बी का हटा दिया। B वाला जो उस टाइम का जो B का काम होगा वो इस 42 में है ना भाई, जो स्टार्टिंग से 3 डेज थे। एक ही डिफरेंस है ना सर, पैरेलल मेथड में हम लोग A और B का कंबाइन ये एफिशिएंसी निकाल सबट्रैक्ट करके फिर 3 ऐड कर देते हैं, यहां पे डायरेक्ट सिर्फ एक का ही एक ही अगर फिर 20 से निकाल दोनों बातें से। ये प्रोसेस अच्छा है, आप बस इतना याद रखो जो पर्सन जितने दिन के बाद चला गया उसका उतना काम आप रिमूव कर दो, क्योंकि वो तो चला गया अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा उससे। तो जो पर्सन स्टार्टिंग से लास्ट तक है बस उसी को चेक कर लो, भाई ये तो बी है ये स्टार्टिंग से लास्ट तक है, बस आपने बी चेक कर लिया, बी हमारे पास 8 कंप्लीट 2.5 डेज तक है, तो मतलब टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा? दो दिन पहले छोड़ गया तब उस केस में करेंगे क्या हम? आएगा वो भी आएगा, वहां भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा खैर सर, अब अच्छा अभी तो टाइम हो गया, फिर तभी देख लेंगे उसको, क्योंकि उसमें थोड़ा डाउट होता है कि वर्क मतलब खत्म होगा तो वो दोनों की एफिशिएंसी से लिंक नहीं किया कुछ डाउट नहीं होगा, जिसने जितने दिन पहले लेफ्ट करा उसको उतना दिन और करा उसको ऐड। अच्छा ओके हाँ समझ गया, ये क्वेश्चन भी आएगा, घबराओ मत, चलो आ जाएगा। तो बच्चों आपको क्लास में कोई डाउट? नो सर। जो भी जितने डेज पहले लेफ्ट करेगा ना एनिमेस उसको उतना वर्क और करा दो, फिर हम ऐड कर देंगे उसका नीचे। हाँ वो टोटल वर्क में उसका और वर्क का ऐड करके फिर टोटल डिवाइड कर देंगे, समझ गया बिल्कुल। सो हाजी, जैसे उमंग ने बोला ना कि जो 18 डेज हम लोग गिन रहे हैं उसमें बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हमने ये जो 18 डेज है 18 वर्क ये बस हमने ए का फाइंड आउट करा है कि जो तीन दिन में क्या उन 3 दिनों में ए का वर्क घटा दिया बस हमने। इस क्वेश्चन में हमें बस ए का वर्क फाइंड आउट करना था और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना था। ओके बच्चों बाय बाय, वेलकम, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, बाय बाय बच्चों, वेलकम।